आज की इस वीडियो में हम आपको हाई स्कूल व इंटर के बाद जितनी भी पढ़ाई की जाने वाली डिग्री होती हैं उनकी फुल फॉर्म्स बताने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बीए की फुल फॉर्म क्या है? बीए की फुल फॉर्म बैचलर्स ऑफ आर्ट्स होती है। बीए को हिंदी में कला स्नातक कहते हैं। बीए ऐसी बैचलर्स डिग्री होती है जिसे हम इंटरमीडिएट एग्जाम उत्तीर्ण करने के बाद में किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से कर सकते हैं। इसे हम ग्रेजुएशन डिग्री भी कहते हैं। एमए की फुल फॉर्म क्या है? एमए की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ आर्ट्स होती है। एमए को हिंदी में स्नातकोत्तर कहते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है। इसमें कला से जुड़े सभी विषयों के एडवांस लेवल की पढ़ाई की जाती है। बीएससी की फुल फॉर्म क्या है? बीएससी की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस होती है। बीएससी को हिंदी में वैज्ञानिक स्नातक कहते हैं। बीएससी एक ग्रेजुएट अकेडमी डिग्री है। बीएससी साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 3 या 4 साल का कोर्स है। यह 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद साइंस के स्टूडेंट के बीच एक पॉपुलर अकेडमी डिग्री कोर्स है। बीटेक की फुल फॉर्म क्या है? बीटेक की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है। बीटेक को हिंदी में प्रौद्योगिकी स्नातक कहते हैं। बीटेक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स है जो कि पूरे 4 साल का होता है। अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है या सिविल इंजीनियर बनना है तो आप बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड की फुल फॉर्म क्या है? बीएड की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ एजुकेशन होती है। बीएड को हिंदी में शिक्षा स्नातक कहते हैं। इसमें छात्रों को टीचर बनने के लिए शिक्षा दी जाती है। बीएड करने के बाद आप स्कूल में विद्यार्थियों को शिक्षा देने के योग्य हो जाते हैं। बीएड कोर्स पूरे 2 साल का होता है। बीएड कोर्स को आप तभी कर सकते हैं जब आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए। बीकॉम की फुल फॉर्म क्या है? बीकॉम की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स होती है। बीकॉम को हिंदी में वाणिज्य स्नातक कहते हैं। यह कॉमर्स स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री है। बीकॉम 3 साल के बैचलर ऑफ एजुकेशन है जो भारत के विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालयों द्वारा पेश की जाती है। एमडी की फुल फॉर्म क्या है? एमडी की फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होती है। एमडी को हिंदी में आयुर्वैज्ञानिक चिकित्सक कहते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में एमडी उच्चतम शैक्षणिक डिग्री है। एमबीबीएस डिग्री धारक द्वारा और सर्जरी के क्षेत्र में विशेषता पाने के लिए इस डिग्री को प्राप्त करते हैं। एमडी कोर्स 3 साल का होता है। एमबीए की फुल फॉर्म क्या है? एमबीए की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। एमबीए को हिंदी में व्यवसाय प्रशासन स्नातकोत्तर कहते हैं। एमबीए एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। एमबीए कोर्स उन सभी लोगों के लिए मददगार साबित होता है जो अपना कैरियर बिजनेस मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं। एमबीए कोर्स 2 साल का होता है। 2 साल में आप एमबीए को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बीबीए की फुल फॉर्म क्या है? बीबीए की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। बीबीए को हिंदी में व्यवसाय प्रशासन स्नातक कहते हैं। बीबीए एक अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की डिग्री है जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एक कोर्स का कार्यक्रम के लिए प्रदान की जाती है, इसलिए इसे एमबीबी के नाम से भी जाना जाता है। एलएलबी की फुल फॉर्म क्या है? एलएलबी की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लॉस होती है। एलएलबी को हिंदी में विधि स्नातक कहते हैं। एलएलबी कानून और विधि से जुड़ी हुई एजुकेशनल डिग्री है। एलएलबी कोर्स में छात्रों को लॉयर की पूरी जानकारी दी जाती है। एलएलबी कोर्स करने के बाद छात्र वकील बन जाते हैं और फिर कोर्ट में मुकदमे लड़ते हैं। एलएलबी 6 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। एलएलबी कोर्स के पूरा होने पर यानी 6 सेमेस्टर पास होने के बाद एलएलबी की डिग्री प्रदान की जाती है। एलएलबी की डिग्री मिलने के बाद छात्रों को पूरी तरह से वकील बनने के लिए उन्हें ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करना होता है, जिसके बाद छात्र पूरी तरह से वकील बनते हैं। एमकॉम की फुल फॉर्म क्या है? एमकॉम की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ कॉमर्स होती है। एमकॉम को हिंदी में वाणिज्यिक निष्णात कहते हैं। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जिसमें स्टूडेंट को अकाउंटिंग के रिलेटेड कामों के लिए एक्सपर्ट बनाया जाता है, यानी कि इसमें आप कोई अकाउंटिंग बैंकिंग की बिजनेस में जॉब पा सकते हैं। ये भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होता है जिसे करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट कहलाते हैं। एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या है? एमबीबीएस की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी होती है। एमबीबीएस को हिंदी में चिकित्सा स्नातक और शल्य चिकित्सा स्नातक कहते हैं। एमबीबीएस एक सफल डॉक्टर बनने के लिए लगभग 5.5 साल का समय लग सकता है। एमबीबीएस की डिग्री के बाद आप डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए हॉस्पिटल में कार्य कर सकते हैं। आप अपना स्वयं का क्लिनिक खोल सकते हैं।
एमएससी की फुल फॉर्म क्या है? एमएससी की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ साइंस होती है। एमएससी को हिंदी में विज्ञान निषाद कहते हैं। साइंस में मास्टर की डिग्री प्राप्त करने में शॉर्ट में एमएससी यानी के मास्टर इन साइंस कहते हैं। यही पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार के लिए एमएससी एक अकेडमिक डिग्री है। एमएससी डिग्री आमतौर पर बैचलर ऑफ साइंस यानी के बीएससी की डिग्री पास करने के बाद की जाती है। एमएस की फुल फॉर्म क्या है? एमएस की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ साइंस होती है। एमएस को हिंदी में विज्ञान का मास्टर भी कहा जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इत्यादि जैसे कई देशों में विश्वविद्यालयों द्वारा सम्मानित स्नातकोत्तर डिग्री होती है। यह भारत में अधिकांश विश्वविद्यालय एमएससी कार्यक्रम प्रदान करता है। एलएलएम की फुल फॉर्म क्या है? एलएलएम की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ लॉ होती है। एलएलएम को हिंदी में कानून के मास्टर भी कहते हैं। आमतौर पर एलएलएम को मास्टर ऑफ लॉ के रूप में जाना जाता है। अधिकांश लोग एलएलएम में डबल एल देखने के लिए कंफ्यूज हैं। वे सोचते हैं कि दोनों अलग अलग चीजों को स्पेसिफाइड करते हैं, लेकिन शब्द के लेटिन बहुवचन के रूप में अक्षर को दोहराकर संक्षिप्त किया जाता है। ITI की फुल फॉर्म क्या है? ITI की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है। ITI को हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी कहते हैं। यह संस्थान विशेष रूप से उन छात्रों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं जो सिर्फ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करते हैं और कुछ हासिल करना चाहते हैं। कुछ अध्ययन के बजाय कुछ तकनीकी ज्ञान के छात्रों इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा बताए गए सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगर आप ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।